तो क्या हाल है भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई आरसीआर भाई ने अभी अपना ट्रैक आउट किया, एक मिट्टी, जो कि भाई की जज्बाती पे चल रही है ना भाई, उसका ट्रैक है। वैसे जज्बाती पे पूरी हार्ट टचिंग, मतलब आपके दिल को छू जाएगी ऐसी पूरी जज्बाती पे है। एंड उसका प्रीमियर चल रहा है, मिट्टी सॉन्ग है, तो सुनते हैं प्रीमियर, देखते हैं भाई कितना रह गया, क्या Do you ever feel like सुनते you're being हैं। watched? और वैसे ना You आरसीआर are. भैया The रियल browser शायर you're है, मतलब using is allowing your कंट्री behavior to be बॉय exploited है। and monitored. रैपर मानो ना मानो आप भाई, वो सिंगर बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूँ। थोड़ा सा बैक करें, प्रीमियर चल रहा था ना ये। सही में भाई जैसा खर्चा करता है ना वैसा व्यूज नहीं मिलते, बट क्यों मिलने चाहिए ना। और ऐसा भी नहीं कि भाई गाने बेकार हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप स्पॉटीफाई पे गाड़ी में लूप पे चला सकते हो, ऐसे ऐसे गाने हैं भाई, सही में हार्ट टचिंग। तुम तो फिर इंसान हो ना निकले, जिसमें हर बार फेल हो गया। तुम ऐसा इम्तिहान हो, हम तो रब के सगे ना निकले। तुम तो फिर इंसान हो, शायरी के साथ स्टार्टिंग हमारी, सही। तुम तो फिर इंसान हो। स्टार्टिंग बहुत सही लग रही है यार मेरे को, जो ये क्या चालू हुआ बीट के साथ साथ, और जो पीछे जो वोकल साउंड कर रहे हैं ना ये, हाँ ये वो काफी अच्छा लग रहा है यार, सही। स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। दुनियादारी में ऐसा फंस गया तू, तूने छोड़ दिए अपने और रब से भी दूर है। उसके घर में तेरी नेकी देखी जाएगी ना, देखा जाएगा कितना मशहूर है। दूसरों को कहता था रब याद रखो, तेरी खुद की कहाँ चली गई इबादत है। तेरी बातों पे तू खुद नहीं चलता, और दूसरों को ज्ञान बांटने की तुझे आदत है, बेवजह अपनों से। तुम अपनी बात पे खुद नहीं चलते, तुम दूसरों को ज्ञान बांटते हो, ये हकीकत है, फैक्ट्स है। मतलब मैक्सिमम लोग कोई भी हो बोलते हैं भाई ज्ञान देते हैं, बट खुद उस चीज को अप्लाई नहीं करें, फालतू ज्ञान लोग बहुत देते हैं। सही बात है, ये रियलिटी है। कि तुझे आदत है, बेवजह अपनों से बात बात पे लड़ता है, खुद भी दुखी और उनको भी करता है। किसी के भी तुझे आंसू नहीं दिखते, अपने दिखते हैं और दिखे पैसे। अपनों से झूठ तू बोलता है रोज, उस रब से सच छुपाएगा तू कैसे। सही में अलग ही, बिल्कुल वायर ड्रॉप करता है भाई यार, और ये हुक लाइन जो होगी है अलग ही लेवल यार, सही में अलग ही अलग ही। मिट्टी में मिलके जब तू उसके घर जाएगा, मतलब बोले तो बंदा खत्म होके जब जाएगा, वो चीज मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा भाई बोलना चाहता, बोलता ना याद हो मैं लोगों का, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, कैसे कोई लड़का लड़की बैर कर नहीं मिलते, चुप बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो ऐसा कुछ भाई का कहना है, फूक लेगा तुझसे वो हिसाब, इतने गुना लेके कहाँ जाएगा बंदिया, क्या देगा उसको तू जवाब। इतने गुना लेके कहाँ
जैसे तेरे अपने, मातम में भी ऐसे रोते नहीं है तूने, प्यार के बदले में दर्द ही दिया है तुझे, प्यार करने वाले लोग सोते नहीं है, अपना बना कर दिल से उसको अजनबियों की तरह बीच रास्ते में छोड़ा है, लानत हजार तुझे तेरे किरदार पे, एक पाक इंसान तूने अंदर तक तोड़ा है, तूने जीते जी मार डाली अपनी महबूबा, और इस बात से अनजान भी नहीं है, लोग तुझे खुदा बना के बैठे हैं, और तू असल में इंसान भी नहीं है, उसकी तरह तुझको यादें क्यों नहीं खाती, तू कैसे जी रहा है, तुझे मौत क्यों नहीं आती, कितनों को सताया, कितने थे मजबूर, कौन था गलत कौन था बेकसूर, कर्मों की मार से कैसे बचेगा तेरा किया, तुझे एक दिन मिलेगा जरूर। जज्बात ही पी पूरे जज्बात बयां कर रही है, वो रियलिटी है, जिस हिसाब से भाई ने ईपी का नाम रखा ना, वो हर ट्रैक में वो चीज फील हो रही है, हर ट्रैक में वो चीज फील हो रही है। सही मिट्टी में मिलके जब उसके तू घर जाएगा, मांगेगा तुझसे वो हिस्सा, इतने गुना लेके क्या देगा उसको तू जवा, मिट्टी में मिलके जब उसके तू घर जाएगा, मांगेगा तुझसे वो हिस्सा, इतने गुना लेके कहां जाएगा बंदिया, क्या देगा उसको तू जवा। जज्बात ईपी का जो टाइटल नेम दिया गया ना जज्बात, वो जज्बात हर ट्रैक बयां करता है, हर ट्रैक, आप कोई भी ट्रैक उठा के देख लो जज्बात ईपी का, आपको पता चल जाएगा हाँ जज्बात ईपी का जो टाइटल लिया गया है वो कितना सोच समझ के लिया गया, और कितना सोच समझ के और गाने लिखे गए, वही चीज़ है। एंड इसकी हुक लाइन भी काफ़ी प्यार और तो मतलब पूरा है ही है। तो भाई ने टाइटल में लिखा है ब्लैक वाइब, ब्लैक वाइब मतलब कि एक तो ये ब्लैक शूट हुआ या तो ऐसा कुछ, या ब्लैक कहानी जिंदगी जो ब्लैक एंड वाइट है, मतलब बोले तो अपनी कहानी हो, ब्लैक है पीछे का सब कुछ, ऐसा ये गुजरा है गलत तरीके का, मतलब बोले तो दिल टूटा हुआ, वो चीज़ ब्लैक वाइट, बोले तो एक स्टोरी क्रिएटिंग बंदा है जो अलग ही लेवल की बातें लिख देता है सही में। एंड कैसा लगा आपको ट्रैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे काफ़ी प्यारे लगते हैं भैया आरसीएल भाई के ट्रैक। एंड यहाँ तक आए लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को, मिलेंगे आपसे नए रिएक्शन के साथ, और बीट भी काफ़ी बढ़िया थी।